नमस्कार। निर्देशक की भूमिका के पिछले दो भागों में आपने देखा कि एक निर्देशक स्क्रिप्ट का निर्माण, अपनी टीम के बीच कामों का बंटवारा, शूटिंग लोकेशन और किरदार का चुनाव कैसे करता है। इस भाग में हम सीखेंगे कि एक निर्देशक वीडियो की शूटिंग और उसकी एडिटिंग कैसे करता है। शांत हो जाइए, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में नहीं बोलेगा और सभी लोग अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लें। रेडी एक्शन। आज हम आपको धान के बीज का उपचार कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। गुड। एक वीडियो शूटिंग में डायरेक्टर यानी निर्देशक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपको अपने काम के साथ साथ अपनी टीम के सभी सदस्यों के कामों पर भी पैनी नजर रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, कैमरा पर्सन ने जब शूटिंग के लिए फ्रेम तैयार कर लिया हो तो उसे ये देख लेना चाहिए कि शॉट्स स्टोरी बोर्ड के हिसाब से हो, किरदार फ्रेम के अंदर ठीक से दिखाई दे और उसके कपड़े सही से दिखें, माइक ठीक तरीके से लगा हो और उसकी तार भी न दिखाई दे। शूटिंग से पहले कैमरा में लगे माइक की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे रिप्ले करके जरूर सुने कि आवाज पूरी तरह साफ है, और जब तक डायरेक्टर को एक परफेक्ट शॉट ना मिल जाए तब तक उसे रीटेक लेने में झिझकना नहीं चाहिए। कौन सा सीन कब और कैसे शूट होगा, इसकी जिम्मेदारी भी एक निर्देशक की ही होती है। एक डायरेक्टर को शूटिंग के दौरान हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए ताकि वो अपनी शूटिंग समय पर पूरी कर सके। उदाहरण के तौर पर, जिस लोकेशन को आपने शूट के लिए तय किया था, अगर किसी कारण आप वहां शूट ना कर पाए तो आपके पास किसी दूसरी लोकेशन का विकल्प पहले से ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह, अगर कोई किरदार शूटिंग में ना आ पाए तो उसके बदले में दूसरे किरदार का विकल्प आपके पास होना चाहिए। प्लान बी तैयार रहने से एक निर्देशक के अंदर वीडियो शूटिंग को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे शूटिंग बिना रुकावट के पूरी हो पाती है। वीडियो बनाने की प्रक्रिया के आखिरी हिस्से में वीडियो की एडिटिंग की जाती है। अगर डायरेक्टर एडिटिंग जानते हैं तो वो खुद ही वीडियो को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो एडिटर को बता सकते हैं कि कब और कहां कौन सा शॉट लगाना है। एक अच्छे वीडियो की एडिटिंग के लिए निर्देशक और एडिटर के बीच सही तालमेल और समझ का होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, शूटिंग से एक दिन पहले टीम के साथ मिलकर डायरेक्टर को अपने सभी शूटिंग उपकरण जैसे कैमरा, बैटरी, माइक, रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर की ठीक से जांच कर लेनी चाहिए और उसे स्टोरी बोर्ड के साथ एक जगह पर रखना चाहिए, जिससे शूटिंग के दिन कुछ भी सामान छूटे नहीं। डायरेक्टर को ये भी तय करना चाहिए कि उसकी टीम, स्क्रिप्ट और फाइनल वीडियो जेंडर संवेदनशील हो। साथ ही वीडियो में ऐसी कोई भी चर्चा ना हो जो महिला और पुरुष के बीच असमानता को दिखाए। तो इस तरह आपने देखा कि एक वीडियो बनाने में एक निर्देशक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा वीडियो बहुत हद तक एक निर्देशक के कुशल नेतृत्व, एक अच्छी टीम और एक अच्छे स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। और अंत में इन सारी बातों का ख्याल रखकर आप भी एक अच्छे निर्देशक बन सकते हैं। धन्यवाद।